अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। ये हमारी इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। इस सीरीज में हम एक न्यूज़पेपर की ऐप बनाएंगे जिसमें फ्रंट एंड हम दी ECHS के साथ बना रहे हैं और बैक एंड हम लारावेल के साथ बनाएंगे। आज की वीडियो में हम फ्रंट एंड प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, एक ECHS के प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे और उसमें जो पैकेजेस वगैरह हम यूज़ कर रहे होंगे उनको सेटअप करके फ्रंट एंड प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बैक एंड प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करेंगे और फिर हम प्रॉपर कोडिंग से स्टार्ट करेंगे और फ्रंट एंड की यूआई की स्क्रीनें बनाएंगे और बैक एंड की फंक्शनैलिटी को बनाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने ये आपके साथ शेयर कर दिया था इसका लिंक, जिसके थ्रू कि आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसका शॉर्ट यूआरएल एक दफ़ा मैं फिर ओपन कर देता हूँ। ये शॉर्ट यूआरएल है इसका, zions.com/newspaper-app-development-course। इसको आप ओपन करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपके पास ओपन हो जाएगी और बाकी जो लिंक्स हैं वो इस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। अब हम अपनी जो ReactJS की ऐप है, बेसिकली आप ReactJS की आप काफ़ी तरीकों से बना सकते हैं। कोई बॉयलरप्लेट यूज़ कर सकते हैं, वीट यूज़ कर सकते हैं और भी काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली जो ReactJS की ऐप बना रहा हूँगा वो आयोनिक यूज़ करके बना रहा हूँगा, स्पेसिफिकली आयोनिक CLI। तो आप इसको सर्च करें आयोनिक CLI को और आप यहाँ पर लैंड करेंगे। यहाँ पर आप इस कमांड को यूज़ करते हुए आयोनिक CLI को ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। उसके बाद जब आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और आयोनिक क्लिक के सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए। अब यहाँ से हम नेक्स्ट एक फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ पे कि हमने ये ऐप बनानी है। तो उसके लिए मैं, क्योंकि ये ReactJS की ऐप है तो मैं ReactJS के प्रोजेक्ट्स में आ जाऊँगा, और क्योंकि ये Zions की ऐप है तो मैं Zions में आ जाऊँगा। और उसमें ये फोल्डर मैंने पहले ही बनाया हुआ है जिसमें कि ये फोल्डर खाली है। इसका नाम हम कॉपी कर लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे और इसमें टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। अगर आप विंडोज़ में हैं तो CMD को उस फोल्डर में ओपन कर लें। और आयोनिक स्टार्ट, ये मैंने बेसिकली ये कमांड है एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। विजिट को नो कह दें, उसके बाद यहाँ से ReactJS और प्रोजेक्ट का नाम मैंने जो कॉपी किया था वो यहाँ से ब्लैंक सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद ये बेसिकली जो है पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करेगा और दैट्स इट, ये सारा काम करेगा। जब तक ये फाइनलाइज हो रहा है तब तक हम नेक्स्ट मूव करते हैं और ये चूज कर लेते हैं कि हम बेसिकली जो यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी है वो कौन सी यूज कर रहे होंगे। आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि हम आयोनिक को ही यूज कर लें, नो डाउट आयोनिक काफी अच्छी है, लेकिन इसमें ना रिसेंटली एक से दो इश्यूज आए हुए हैं जो कि है कि जो अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। आयोनिक CLI और आयोनिक फ्रेमवर्क बेसिकली अपना राउटर प्रोवाइड करता है जो कि आयोनिक राउटर रिएक्ट के लिए है, और वो राउटर अभी रिएक्ट राउटर 6 वर्जन को सपोर्ट नहीं करता। एक तो ये इसकी मेजर वजह है मेरी ना चूज करने की, और उसके अलावा इसके कुछ कंपोनेंट्स में, सिलेक्ट के कंपोनेंट में और भी बाकी एक दो कंपोनेंट्स में इशू आते हैं जब बेसिकली हम जरा कॉम्प्लेक्स यूआई में जाते हैं, जो कि मुझे प्रीवियस एक दो प्रोजेक्ट में फेस हुए थे। इन दो चीज़ों की वजह से मैंने आयोनिक CLI को इस कोर्स के लिए चूज नहीं किया, बल्कि जो यूआई लाइब्रेरी हम इस कोर्स में यूज कर रहे होंगे वो है रेडेक्स यूआई। आप इसको ओपन करेंगे सर्च करके और ये आपके पास आ जाएगा। ये बेसिकली काफ़ी कह लें कि फ्री हैंड यूआई है, इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन हो जाती है और काफ़ी ये बेसिकली ना पॉपुलैरिटी की तरफ जा रही है, और इसमें उस तरह के इश्यूज भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यूआई को बेसिकली डील कर रही है, ये आयोनिक फ्रेमवर्क की तरह नहीं है कि जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ यूआई को डील कर रहा है। वंस अगेन ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इसको चूज़ किया है। आप चाहें तो आयोनिक को यूज़ कर लें, मटेरियल यूआई को यूज़ कर लें, जिसको मर्जी यूज़ कर लें, उससे एंड रिजल्ट की लुक एंड फील में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बाकी अगर आप फॉलो करेंगे चीज़ें तो एज सच कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। तो हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका होगा, इसको नो कह दें। ये बेसिकली आयोनिक CLI को मैंने इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सॉरी, मुझे इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा। वो यहाँ पे आके इसमें मैं आप टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और इसको कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। ओके,
इसको चूज करने की वजह यह है कि ये बेसिकली साइप्रस को सेटअप कर देता है, जस्ट इन केस अगर आपने टेस्टिंग करनी हो, ESLint, टाइपस्क्रिप्ट, वीट, काफी चीजों को हमारे लिए सेटअप कर देता है। ओके, हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली क्रिएट हो गया। नेक्स्ट अब हमने इसे सेटअप करना है, जिसमें कि हम आयोनिक को सबसे पहले आयोनिक के जितने भी पैकेजेस और आयोनिक का जो प्रोजेक्ट में बेसिकली रेफरेंस है उसको खत्म कर रहे होंगे, ये हम नेक्स्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए मैं यहां पर पैकेज डॉट जेसन को ओपन कर लूंगा और यहां से आयोनिक के जो पैकेजेस हैं उनको अनइंस्टॉल कर दूंगा, जिसमें कि ये दो पैकेजेस हैं, और टाइप्स के पैकेजेस को मैं मूव कर दूंगा नीचे, क्योंकि टाइप्स से डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज होती हैं, प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज नहीं होती। और आइकॉन इसको भी मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास रिडक्स यूआई में आइकॉन्स हैं, अदरवाइज अगर हमें जरूरत होगी तो मैं एक और पैकेज है वो आपको रिकमेंड करूंगा। ये बेसिकली मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है, जस्ट इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ये कौन सी एक्सटेंशन है, तो ये बेसिकली npm outdated, ये मुझे काफी पसंद एक्सटेंशन है। ये बेसिकली जब मैं पैकेज डॉट जेसन को ओपन करता हूँ तो मुझे बता देता है कि कौन सा प्रोजेक्ट, सॉरी कौन सा पैकेज आउटडेटेड है, और मैं यहाँ पर बहुत ही इजीली उस पर होवर करके क्विक फिक्स में जाके या तो उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या तो स्पेसिफिक पैकेज को अपग्रेड कर सकता हूँ उसके लेटेस्ट वर्जन पर, या फिर ये नीचे ऑप्शन देता है कि सारे पैकेजेस को अपडेट कर लो और एक्सक्लूडिंग मेजर, मैं इस पर क्लिक करूंगा और अब फिर मैं एक मेजर प्रोजेक्ट पे आऊंगा पैकेज पे और यहाँ पर इसको अपडेट कर लूंगा। इसी तरह मैं नीचे आऊंगा और ये बेसिकली थोड़ी सी इसे टाइम लगेगा, इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं, क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेते हैं एक दफा, और होपफुली अब ये मुझे ऑप्शन देगा कि मैं सबको ही अपडेट कर लूँ। दो तीन दफा ट्राई करना पड़ेगा, कभी कभी ये सबको अपडेट, ये अब इसने ऑप्शन दे दिया तो मैं सबको अपडेट कर लूंगा और दैट्स इट। इसी तरह मेरे ये सारे पैकेजेस अपडेट हो गए। मैं एक दफा आयोनिक को यहाँ पे सर्च कर लूंगा, यहाँ पे आयोनिक लिखा हुआ है क्योंकि हमने पूरा रेफरेंस भी रिमूव करना है, तो हम इसको भी अपडेट कर देंगे, न्यूज पेपर सॉरी एप डेवलप्ड यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड लारावेल डेवलप्ड बाय एहसन महमूद मैनेजर एट जायंस। ओके, ये हमने इसको नाम दे दिया, यहाँ पे ये नाम ओके है, बाकी चीजें मुझे ओके लग रही हैं। ओके, इसी के साथ इसको मैं क्लोज कर दूंगा और नेक्स्ट मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैंने ये पैकेज रिमूव कर दी है, तो मैं सबसे पहले इसमें प्रोजेक्ट में npm इंस्टॉल करूंगा, और मैं यहाँ पर npm की जगह pnpm यूज कर रहा हूँ। उसका सिर्फ बेनिफिट इतना है कि ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर जो पैकेजेस होते हैं उनको इंस्टॉल करता है, जिसकी वजह से जो इंस्टॉल और सेम प्रोजेक्ट को रीइंस्टॉल करते वक्त मेरा जो इंस्टॉल टाइम है वो काफी कम हो जाता है। आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, और अदरवाइज आप npm या yarn को भी यूज कर सकते हैं या bun को यूज कर सकते हैं, मैं अभी इसको यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे वापस आएंगे और अब मैं यहाँ पे आयोनिक को सर्च करूंगा। ओके, ये बेसिकली अभी इसमें है, इसको मैं अभी देख लेता हूँ, वहां से रिमूव हो जाना चाहिए था, मैं उसको अभी यहाँ पे आयोनिक कहीं मेंशन है। ओके, इसको बाद में देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, ये है, हम इसकी आईडी को अपडेट कर देंगे, कॉम डॉट जायोंस डॉट न्यूज पेपर, और उसके बाद यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे, न्यूज पेपर ऐप, और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ, दैट्स इट। इसी के बाद इधर आ जाएंगे, ये बेसिकली एक्सटेंशन नहीं चाहिए तो इस सेक्शन को ही मैं उड़ा दूंगा यहाँ से। मैनिफेस्ट में आके यहाँ पे भी यही नाम और यहाँ पे भी यही नाम, और उसके बाद ये अब कोड में चला के, ठीक है कोड में आ जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब ये देखें पहले ये रिएक्ट राउटर वर्जन 5 यूज कर रहा था, उसमें रीडायरेक्ट का कंपोनेंट है था, और क्योंकि अब मैंने इसको लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर दिया है तो रीडायरेक्ट का जो कंपोनेंट है वो रिमूव हो चुका है, और रिएक्ट राउटर 6 बहुत ही अच्छा है। बेसिकली मुझे पर्सनली दो ही राउटर अभी पसंद है, एक तो रिएक्ट राउटर 6 है वर्जन 6 वो काफी अच्छा है, या फिर 10 स्टैक राउटर,
टेन स्टैक लॉटर को पसंद करने की वजह ये है कि उसमें बेसिकली जो यूआरएल सर्च पैरामीटर्स होते हैं वो बड़े अच्छे से कंट्रोल होते हैं, जो कि रिएक्ट लॉटर 6 में मुझे मैनुअली कंट्रोल करने पड़ते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए ओके है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो हम रिएक्ट लॉटर के साथ ही चलेंगे और वो आपके लिए भी आसान होगा। आपको एक और नई चीज़ नहीं सीखनी पड़ेगी अभी के लिए, वो उसके लिए मैं फिर कभी वीडियो बना दूंगा। ये सारा भी रिमूव हो जाएगा यहाँ तक, ये सारा और ये भी, और यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे लेट्स से सिर्फ एक H1 ऐड कर देता हूँ, वर्किंग एटलीस्ट वर्किंग हो, बाद में फिर हम उसको यहाँ पे ये होम को यूज कर लेते हैं, हमारे पास होम है। ओके, इसको क्लोज किया, होम में यहाँ पे थीम में जाके इसको रेफरेंस को रिमूव कर देते हैं, आयोनिक का रेफरेंस रिमूव हो गया, अभी भी रहता है। ओके, पेजेस में आते हैं, यहाँ पे इसमें आयोनिक, ओके इसको रिमूव कर दो और इधर सिर्फ इसको रहने दो इस तरह। CSS में क्या है? कुछ भी नहीं, कंपोनेंट्स, यहाँ पे ये आने का है और इसी के साथ मेरे ख्याल से ये ठीक हो गया। ओके, एक दफा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं आयोनिक जो है अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो इसको बेसिकली मैं ये करूँगा कि इसको एक दफ़ा डिलीट करके मैं चाहता हूँ कि आयोनिक का ना रेफरेंस पूरी तरह रिमूव हो जाए। ओके, PNPM इंस्टॉल, लेट्स सी, रिमूव होता है यहाँ पर, ये किसी और की वजह से आ रहा है, ये हुआ और लेट्स सी। ओके, ये मेरे ख्याल से ये किसी, यहाँ चलें देख लेते हैं किसकी वजह से आ रहा है, आयोनिक CLI फ्रेमवर्क। ओके, ये बेसिकली, ओके इससे हमें वैसे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, तो इस वजह से इसको भी रहने दें। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास कमांड है वो डेफ की है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक स्टार्ट की कमांड ऐड कर लूंगा जो कि ये डेफ की कमांड रन करेगी, जस्ट इस वजह से क्योंकि मैंने बेसिकली अपने टर्मिनल में एलियसिस ऐड किए हुए हैं जो कि है NM, ये बेसिकली NPM की शॉर्ट फॉर्म मैंने ऐड की हुई है। मैं NPM लिखूँ फिर भी सेम रिजल्ट आएगा, NM लिख दूंगा फिर भी सेम, और एक और भी काफ़ी ज़्यादा ऐड किए हुए हैं लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो NMS जो कि इक्वलेंट है NPM स्टार्ट के। ओके, आप, मैं ये रन कर रहा हूँ, आपने जो रन करना है वो है NPM स्टार्ट, मीन आप पूरा लिखेंगे स्टार्ट, अगर आपने ये एलियस नहीं बनाए हुए, अदरवाइज आप ये एलियस बना लें। इसकी वीडियो जायोंस के यूट्यूब चैनल पे है कि आप किस तरह ये एलियसेस बना सकते हैं। उसके बाद हम इस URL को विजिट करेंगे और हमारे पास ऐप रन हो रही है, मैं एक दफ़ा देख लूंगा कि लोकल स्टोरेज, सॉरी कंसोल में कोई इशू तो नहीं आ रहा। ओके, ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे और बेसिकली इसमें रेडिक्स UI का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी ये चेंजेस किए हुए हैं, और प्लीज़ मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो प्लीज़ उसमें गिट को ज़रूर सेटअप करें। आयोनिक CLI ने हमारे लिए ये भी सेटअप किया हुआ है, लेकिन अगर आप मैनुअली प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले गिट को ज़रूर सेटअप उसमें करें, और जैसे जैसे कोई चेंजेस करते जाएं हर एक स्टेज पे उसको कमिट करते जाएं, प्लीज़ हिस्ट्री बना के रखा करें। यहाँ पे मैं इसकी हिस्ट्री को मेंटेन कर लूँगा और कमेंट कर दूंगा, ओके, और ये स्टेटस कम लीन होना चाहिए। ओके, अब मैं यहां पे इसमें आ जाऊंगा और इसकी गेटिंग स्टार्टेड में आ जाऊंगा, मुझे इसकी जरूरत है, यहां पे मुझे कुछ पैकेजेस की जरूरत है तो वो मैं एक दफा ही इंस्टॉल कर लूंगा, और वंस अगेन मैं PNPM यूज कर रहा हूँ ये। उसके अलावा मुझे इसमें, मैं बेसिकली नीचे आ जाऊंगा, जो चीज़ें मुझे इसमें रिक्वायर हैं वो मैं एक साथ ही इंस्टॉल कर लूँगा ताकि मैं बार बार मुझे वो चीज़ें ना करें, मैं प्रिमिटिव्स में आ जाऊंगा। उसके अलावा कलर्स और आइकॉन्स, और ये बेसिकली हर एक का इंडिविजुअल है, जैसे कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो कलर्स हैं, कलर अगर मैंने कहीं पे यूज़ करने हुए तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्स में आए, ये पैकेज लेता है इसका, इसके स्मॉल स्मॉल पैकेजेस हैं तो आपको होपफुली इसका कोई मसला नहीं होगा। आइकॉन्स, ये आइकॉन्स हैं इसके बेसिकली, अगर आप यूज़ करना चाहें तो, क्योंकि हम हो सकता है प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं यूज़ करें तो इसलिए मैं उनको पहले इंस्टॉल कर रहा हूँ।
और उसके अलावा बाकी चले हमें जब ज़रूरत होगी तब हम उसे इंस्टॉल कर लेंगे, अभी के लिए एटलीस्ट हमारा काम चल जाएगा इसके साथ। ओके, मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं इसमें गेटिंग स्टार्टेड में वापस आ जाऊँगा। अब बेसिकली ये रेडिक्स यूआई हमारी यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक सिंपल सा जो फ्लेक्स बॉक्स है इसको लगा के दिखा दूंगा ताकि इसको हम देख सकें, और उसके बाद नेक्स्ट हम जो रिएक्ट राउटर 6, क्योंकि अभी हमारी ऐप में राउटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, वो मैंने क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऐप को कर रहा हूँ और वो होम कंपोनेंट को कर दिया तो राउटिंग खत्म हो चुकी है, इसको भी रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम राउटिंग को सेटअप करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ये चला के दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे होपफुली इंस्टॉल हो चुका होगा। जी हो गया। ओके, यहाँ पे आऊँगा और इसमें इसमें सॉरी डायरेक्ट इसमें आ जाओ इधर ये, और इसको जब आप ये पैकेजेस इंस्टॉल करें और आपको इस तरह जैसे मुझे ऑटो कंप्लीट नहीं मिल रहा ना मिले तो इनको ऐसे फाइलों को क्लोज करें और कंट्रोल शिफ्ट पी और रीलोड कर लें डेवलपर रीलोड विंडो। उसके बाद एक दफ़ा फिर इसको ओपन करें किसी TS फाइल को, ये एक्सटेंशन वगैरह बेसिकली ऑटो रीलोड जब न्यू पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं कभी कभी काम नहीं करता, तो सिंपली आप एक दफ़ा इसको रिस्टार्ट कर लें। अब आप देख सकते हैं ऑटो रीलोड जो ऑटो इंपोर्ट है वो मिल रहा है, तो ये सिंपल सा फिक्स है। अक्सर जब भी ये काम ना कर रहा हो VS कोड तो पहले सबसे पहले एक दफ़ा उसको रिस्टार्ट करके देखें, मोस्ट प्रोबेबली उससे मसले हल हो जाते हैं। इसको मैं रिमूव कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी C, और CSS की भी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको हम यूज़ नहीं कर रहे, ये भी रिमूव कर दें। ये सिर्फ हम टेस्ट अभी कर रहे थे, और अगर अभी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा न्यूज़पेपर ऐप में तो इस तरह है, लेकिन हमें इसका जो रिजल्ट है वो ज़रा थोड़ा सा ब्यूटीफुल चाहिए, तो उसके लिए हमें बेसिकली ये थीम का कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक पहले फाइल बनाऊंगा, ऐप एंट्री पॉइंट .tsx हमारी जो, और इसमें बेसिकली मैं इसको पूरे को कॉपी कर लूँगा, ये हो गया, और इसको मैं सिर्फ कह दूंगा ऐप एंट्री पॉइंट, और यहाँ पे बेसिकली लेट्स से कि मैं यहाँ पे थीम और उसमें ये, और चले मैं पहले ऐसे आपको दिखा देता हूँ उसके बाद नेक्स्ट में करके इस ऐप एंट्री पॉइंट को। अभी यहाँ पे हम इसको क्लोज, ऐप में सिर्फ ऐप एंट्री पॉइंट आएगा और यहाँ पे यही आ रहा है, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अभी भी बेसिकली खासा फर्क नहीं पड़ा, अल्लाह के सॉरी मैंने इसकी CSS नहीं इंपोर्ट की। यहाँ पे आएंगे और ऊपर इसके फौरन बाद ये चीज़ ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे आएंगे ऐप एंट्री पॉइंट और यहाँ पे और होपफुली इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये इसका जो स्टाइलिंग है वो एटलीस्ट पहले से बेहतर होगी। अब यहाँ पे मैं आपको मज़े की एक चीज़ दिखाता हूँ कि रेटिक्स UI क्यों आजकल मुझे इतनी अच्छी लग रही है और ओवरऑल ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे हमारे पास इसका एक बड़ा प्यारा सा कंपोनेंट है जिसको कि इन्होंने ऑब्वियसली बताया भी हुआ है सारा, मैं कोई अपने से नहीं बता रहा। यहाँ पे ये थीम पैनल, आप इसको पकड़ें, ऐप एंट्री में आएँ और सिर्फ इसको यहाँ पे प्लेस करें और इसके साथ देखें क्या हमारे पास आता है। यहाँ पे आए, ये हमारे पास एक पैनल सा आ गया, और देखें कि क्या होता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हमारी ऐप का कलर वगैरह चेंज हो गया। ऑब्वियसली ये परसिस्ट नहीं अभी कर रहा, परसिस्ट करना है तो आप यहाँ से कॉपी करके वैल्यू को पेस्ट कर सकते हैं, वो भी मैं अभी दिखा दूंगा, लेकिन अभी कंटिन्यू करते हैं। ये डार्क कर दिया, डार्क मोड, और आप देखेंगे पूरे थीम मीन के जो डार्क मोड है वो प्रॉपरली एडजस्ट हो रहा है। ये एक और वजह जो आई थिंक में थोड़ा सा हो सकता है उन्हीं के ऐप में उन्होंने उसको इम्प्रूव कर दिया हो, लेकिन क्योंकि वो रिएक्ट राउटर का इशू चल रहा है तो मैंने उसको ट्राई नहीं किया, मैंने आयोनिक 7 तक ही ट्राई किया और उसके बाद फिर उसके मसले की वजह से मैं आके कंटिन्यू नहीं किया मैंने उसके साथ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये हो गया है। जो डार्क मोड है वो कैसे होता है बेसिकली परसिस्ट, वो अपीयरेंस से होता है, और वंस अगेन ये सारा कुछ मेंशन है डॉक्यूमेंटेशन में, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, एटलीस्ट मुझे अच्छा लगा। कोई भी आपको इसमें चीज़ सीखनी हो समझनी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्वियसली इस पूरी ऐप को तो हम बना ही दे होंगे, लेकिन
मैं पूरी यूआई लाइब्रेरी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा, तो अगर कुछ रह जाए और आप उसको ट्राई करें, आपसे वो ना हो रही हो, तो प्लीज जरूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब हम राउटिंग को वापस ले आते हैं अपने वो ऐप में। ओके, तो वापस आते हैं यहाँ पे, और इसके लिए सबसे पहले मैं एक और फाइल यहाँ पे बना लूंगा। और उससे पहले वंस अगेन बेसिकली आप मुझे देख रहे होंगे, मैं काम क्योंकि थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन पर्सनली जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो इस चीज़ की एटलीस्ट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जब भी एक बेसिकली जो कह लें कि सिग्निफिकेंट चेंज करने लगा हूँ तो उससे पहले मैं कमिट जरूर करूँ। तो प्लीज़ इसको जरूर हैबिट बनाएं। जब आप इन तरह की चीज़ों को हैबिट बनाएंगे तो वो लेटर डाउन द रोड आपको बहुत फायदा देंगे। और थोड़े बहुत इमोजेस ऐड कर लिया करें, चले अपना मैसेज पढ़ के कभी खुद ही बंदा खुश हो जाता है। ओके, यहाँ पे ऐप राउटिंग, यहाँ राउटर व्हाट्सएवर जो भी आप कहना चाहें राउटर कह देते हैं क्योंकि इसमें से राउटर एक्सपोर्ट हो रहा होगा। और इसको आई थिंक हम नो इसमें वो एलिमेंट यूज कर दें। ओके ओके, सो इसके लिए हमने एक्सपोर्ट यहाँ से करना है कॉन्स्टेंट ऐप राउटर, जो कि होगा क्रिएट ब्राउजर राउटर। वंस अगेन ये v6 है, v5 नहीं है। v5 में ये नहीं था, ये रिसेंटली ऐड हुआ है v6 में, और ये बड़ा जबरदस्त है। इसमें बेसिकली आप राउटिंग को इस तरह ऑब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, मुझे सिर्फ जावास्क्रिप्ट थोड़ी अच्छी लगती है तो इस वजह से मैं इसके साथ कर रहा हूँगा। आपको अगर ये अच्छा ना लगे तो आप इसका दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं जो कि मैं शो कर देता हूँ एटलीस्ट, लेकिन हम कंटिन्यू इसके साथ ही करेंगे। वो होगा ब्राउजर राउटर। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप बेसिकली इसको चूज करें, सॉरी इसमें भी एक और तरीका है और फिर वापस उसमें आते हैं। ये वाला तो सबसे आसान है ना, ये बेसिकली आप इसका वो कर लेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे और उसमें ब्राउजर राउटर करेंगे और इसमें राउट्स कर लेंगे। लेकिन ये मैं आप रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये ओल्ड हो चुका है, इसमें वो डाटा एपीआई नहीं है, लोडर एक्शन एरर बाउंड्रीज वगैरह, तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है v6 में, इसको रहने दें। जो एक दूसरा तरीका है इसके वाला जो आसान है थोड़ा, अगर आप उसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बजाय आप इसको मैं खत्म कर देता हूँ, आप कह सकते हैं क्रिएट ब्राउजर राउट, सॉरी राउट राउट्स फ्रॉम चिल्ड्रन, राउट्स फ्रॉम एलिमेंट। ओके दिस, और अब बेसिकली राउट और सॉरी एलिमेंट, जस्ट 1 मिनट, क्रिएट क्रिएट राउट फ्रॉम चिल्ड्रन, सॉरी ये एलिमेंट्स बेसिकली उसमें आप ज्यादा कर सकते हैं, ये चिल्ड्रन इसमें यह आ जाएगा, और इसमें आप पाथ वगैरह ETC जो भी आप डिफाइन करना चाहें, और राउट को बस इंपोर्ट कर लें पहले ताकि उसको पता चल जाए, पाथ ETC जो भी आप इसको कहना चाहें और एलिमेंट कहना चाहें, दिस और ये होम येल, और ये बेसिकली अरे में नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा। ओके, क्योंकि आप इधर कोमा लगा के और ऐड करते जाएंगे। खैर ये एक तरीका है अगर आप इसको फॉलो करना चाहें, लेकिन वंस अगेन हम इसके साथ जाएंगे क्योंकि ये काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड और मेरे ख्याल से नीट है। एलिमेंट जो आपको चाहिए वो आप डिफाइन कर देंगे, पाथ जो आपको चाहिए वो आप डिफाइन कर देंगे, ऑब्वियसली आप चिल्ड्रन वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं अगर नेस्टेड राउट्स हैं, लोडर डिफाइन कर सकते हैं अगर आपने कोई डाटा करना है, एक्शन डिफाइन कर सकते हैं अगर आपने इस पे कोई फॉर्म सबमिशन करनी है, और एरर एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं अगर आपका कोई एरर हो इसमें तो कौन सा कंपोनेंट शो करना है। लेट्स से कि वो हम अभी डिफाइन कर देते हैं, हम एक कंपोनेंट में एरर कंपोनेंट बनाते हैं। ओके, यहाँ पे एरर्स एंड एरर बाउंड्री, ओके इंडेक्स डॉट TSX, और यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसको बाद में हम इम्प्रूव कर लेंगे।
लेकिन अभी के लिए हम इसको जितना सिंपल हो सकता है उतना मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूँ हेडिंग जो कि मैं इधर से लेके आ रहा हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग, जितना सिंपल हो सके। और आप इधर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप बेसिकली डिफॉल्ट के फैन हैं तो आप फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। यहाँ पे हम इसको कर लेंगे एरर बाउंड्री। ओके, और अभी ये यहाँ पे बेसिकली रिलेटिव इम्पोर्ट्स आ रही हैं, तो ये चीज हम नेक्स्ट टैकल करेंगे। वंस अगेन हम कोशिश करेंगे कि इसमें जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सके यूज करें, ताकि एट द एंड जो हमारा एंड रिजल्ट आया वो बेस्ट आए। ओके, ये हमारा हो गया, ये राउटर हो गया, और हम आ जाएंगे वापस, एरर बाउंड्री हमारी होगी, ऐप में आ जाएंगे। अब ऐप में हमें एंट्री पॉइंट में हमें बेसिकली लेट से कि अब हमें एंट्री पॉइंट में थीम, और यहाँ पे अब हमें होम नहीं चाहिए, हमें बल्कि राउटर प्रोवाइडर चाहिए, जिसमें कि हम राउटर देंगे और जिसमें हम ऐप राउटर को ऐड कर देंगे, और ये हमारा फाइनलाइज हो गया। और होम को यहाँ से स्किप कर देंगे, यहाँ पे एंट्री पॉइंट आ रहा है, ओके, और ये मेन में जाके यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, कभी कभी बेसिकली गलती से चीज़ नहीं मिलती, तो बेहतर है कि हम कंफर्म कर लें, बजाय इसके कि हम कहें कि ओके मुझे पता है। ऑब्वियसली ये चीज़ मोस्ट प्रोबेबली ऐड ही होगी, रूट एलिमेंट यहाँ पे ये, लेकिन बेटर सेफ देन सॉरी। और एल्स केस में बेसिकली आप अलर्ट कर सकते हैं, कंसोल एरर करवा सकते हैं, सिर्फ यूज़र को बता सकते हैं कि ओके मेरी ये जो एलिमेंट रूट एलिमेंट नॉट फाउंड, एटलीस्ट बेटर है, बजाय इसके कि आप टाइपस्क्रिप्ट को फोर्स करें कि जी मुझे पता है, ऑब्वियसली है, लेकिन फिर भी बेहतर। यहाँ पे अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, विजुअली कोई चेंज नहीं आया, बस राउटिंग वापस आ गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम एक क्विकली यहाँ पर बेसिकली एक कंपोनेंट बना लेते हैं, लेट्स से कि ऑथ का ही बना लेते हैं, क्योंकि हमें ऑथ के बाद में पेजेस चाहिए होंगे, तो ऑथ और रजिस्टर। ओके, यहाँ पे मैं एक कन्वेंशन आपको क्लियर करता जाऊं कंटिन्यू करने से पहले, कोई भी ऐसा पेज जिसमें टी एस एक्स की फाइल होगी, मतलब कि जो रिएक्ट कंपोनेंट की फाइल होगी, उसका जो फोल्डर का नाम होगा वो कैपिटल होगा, यहाँ बेसिकली टाइटल केस होगा। ओके, और उसके चाहे पेरेंट कंपोनेंट हो या जो भी उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट हो, जिसमें सिर्फ टी एस की फाइल होगी या टी एस एक्स की फाइल नहीं होगी, इस सेंस में ले ले, उसका जो फोल्डर का नेम होगा वो स्मॉल में रहेगा। ओके, ये हम पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इसे क्विकली, और इसके लिए मैं इसको कॉपी करूंगा ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए बस थोड़ा सा, और इसे मैं कह दूंगा सॉरी, इसको मैंने रजिस्टर किया, मैं अभी अबाउट अस कहने लगा था, रजिस्टर पेज, और क्योंकि ये पेज है, वंस अगेन ये मेरी कन्वेंशन है कि मैं पेज के आगे पेज लिख देता हूँ, ये वैसे मुझे वहां से फ्लटर से आदत पड़ी हुई है, स्क्रीन कंपोनेंट विजेट ईटीसी। ओके, और यहाँ पे हम कह देंगे रजिस्टर instead of something went wrong, otherwise वो अच्छा नहीं लगेगा। और इसी के साथ चलें हम एटलीस्ट दो routes को ट्राई कर लेंगे, जो कि अच्छी बात है। एलिमेंट मुझे कौन सा चाहिए, एलिमेंट मुझे चाहिए रजिस्टर पेज का, और बाकी मैं इधर से कॉपी कर लूँगा टाइम सेव करने के लिए, ये मुझे रजिस्टर पे चाहिए, और एरर बाउंड्री बस वही ठीक है। और यहाँ पे मैं पेज एक ऐड सॉरी बटन ऐड कर लेता हूँ, जो कि मुझे वहाँ पे लेके जाएगा, ये पहले ही बटन है, तो इस पर ऑन क्लिक पे हम हैंडलर ऐड कर देते हैं, नेविगेट टू रजिस्टर पेज, और यहाँ पे इसको हैंडल कर लेते हैं, और उसके लिए अब मुझे नेविगेट की एपीआई चाहिए, यूज नेविगेट, और हम यहाँ पर नेविगेट कर रहे हैं कहाँ पर, रजिस्टर पर, होपफुली काम करेगा, और कर रहा है उम्मीद नहीं थी लेकिन काम कर रहा है, चले अच्छा हो गया। नेक्स्ट, अब हम एक बड़ा ही मजे का कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, जो कि है टाइपस्क्रिप्ट पाथ्स। अगर आपको पहले ही पता है तो आप नेक्स्ट पाथ को स्किप करके उससे अगले पार्ट पे जा सकते हैं, अगर नहीं पता तो चले आप एक नई चीज सीख लें।
कंटिन्यू करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट पाथ्स को ऐड करते हैं ताकि जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो ज़रा प्रिटी हो जाए, और हमेशा की तरह एटलीस्ट कोड्स की तरह कंटिन्यू करने से पहले कमिट कर लें प्लीज़। और अब मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं पूरी कमांड लिख रहा था गेट ऐड डॉट, मतलब इस फोल्डर में जितना है उस सबको ऐड कर लो। अब मैंने शॉर्टकट यूज़ किया एलियस, जो कि जी है एटलीस्ट मेरे सिस्टम पे। मैंने एलियसेस ऐड किए हुए कस्टम, तो आप प्लीज वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पे, परी है जायोंस के, उसमें मैंने एलियसेस ऐड करना बताया हूँ। उसके बाद ये GCM बेसिकली गेट कमिट के लिए है, और मैंने सिर्फ मैसेज देना है यहाँ पे राउटिंग एडिट नेक्स्ट एडिंग द टाइप स्क्रिप्ट पाथ्स। ओके ओके कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। अब हम ऐड करेंगे टाइपस्क्रिप्ट पाथ्स को। उसके लिए आप प्रोजेक्ट में आ जाएं और यहाँ पे मैं एक दफा फिर कोई एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट पाथ्स हैं क्या चीज? बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इंस्टेड ये रिलेटिव पाथ की बजाय मैं यहाँ पर ऐड सिंबल ऐड करूँ, या कोई भी एक सिंबल, जो भी मोस्ट कॉमन ऐड सिंबल यूज होती है, और ये ऐड सिंबल सोर्स फोर्स फोल्डर को रिप्रेजेंट कर दी हो। ओके, अभी मैं अगर इसे सेव करूंगा तो एरर आ जाएगा, सिंपल है। उसके लिए सबसे पहले मैं टाइपस्क्रिप्ट में आऊंगा और यहाँ पर मुझे तीन सेटिंग्स ऐड करनी है, जो कि है रूट डर, जो कि रूट डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद बेस यूआरएल, सॉरी यहाँ पे डबल कोट्स यूज करनी है, बेस यूआरएल सेम। लास्टली पाथ्स, जो के होगा जो सिंबल आपको चाहिए, वंस अगेन ऐट ही रखिएगा, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। और स्टैटिक मतलब कि ऐट के बाद जो भी है उसको मैप कर दो सोर्स के बाद उस चीज को, मीन के ऐट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इस पाथ के साथ, और बाकी बेसिकली स्टैटिक अपने स्टैटिक के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये हुआ, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी ये चीज टाइपस्क्रिप्ट को तो समझ लग गई है। ओके, टाइपस्क्रिप्ट ने समझ लिया उस चीज को, और लेकिन जो हमारा बिल्ट इंजन है वीट जो है उसको समझ नहीं लगी। उसके लिए हम इसमें आएंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, और यहाँ पे हमें बेसिकली एक रिजोल्व फैक्टर करना पड़ेगा, जिसमें एलियस ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे कि भाई ऐड सिंबल जो है, और वंस अगेन इसको ये कर दो, इसको रिजोल्व आपने करना है पाथ डॉट रिजोल्व, और सॉरी पाथ को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट पाथ, सॉरी पाथ फ्रॉम पाथ रिजोल्व सॉरी। और यहाँ पे अब मुझे पहले काफी सिंपल होता था ये, यहाँ पे अब मुझे डर नेम चाहिए, बेसिकली ये करंट डायरेक्टरी का नेम चाहिए, और उसमें मैं बाद में कह दूंगा कि सोर्स में जाना है, दैट्स इट। ये काफी सिंपल है, लेकिन यहाँ पे जो मुश्किल है वो ये डर नेम की है। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आपको कह लें कि याद करना पड़ेगा, या जैसे भी है फ्रॉम यूआरएल, और यूआरएल को लाने की बजाय आप डायरेक्ट वो फंक्शन ले आए जो हमें चाहिए, फाइल टू यूआरएल टू पाथ ये, और इसमें बेसिकली ये फाइल फाइल पाथ दिस, और इसमें बेसिकली अब यूआरएल देना है, तो वो आ जाएगा हमारा बेसिकली इम्पोर्ट, क्योंकि अब जो लेटेस्ट आ गया है ये मॉड्यूल टाइप, उसमें इसमें मेटा डॉट यूआरएल, अब आप डायरेक्ट वो प्रोसेस को यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमारे पास फाइल पाथ आ गया, इस फाइल पाथ से अब हम डायरेक्टरी नेम या डायरेक्टरी पाथ को बना सकते हैं। काफी सिंपल है, पाथ डॉट डर नेम, ये एक फंक्शन है जिसमें कि हमें इस फाइल का पाथ दे देना, और दैट्स इट। ये जो एरर है ये बेसिकली वीट का अपनी कॉन्फ़िगरेशन का एरर है, एरर नहीं है लेकिन एटलीस्ट फाइल शो ये करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब वीट को भी समझ लग गई है कि ओके मैंने किस तरह रिजोल्व करना है, और गो करेंगे, चल रहा है। इसी के साथ अब हम जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं उनको अपडेट कर देंगे, एड, और यहाँ पर भी एड। इसका फायदा ये होगा कि अगर हम इसको फाइल को उठा के कहीं और भी रख देंगे तो ये जो इम्पोर्ट्स हैं वो सही रहेंगे, ये काफी अच्छा लगा। ओके, और अभी के लिए टेस्ट, क्योंकि हम नहीं लिख रहे, तो इसको मैं इस फाइल को डिलीट कर रहा हूँ, टेस्ट की फाइल को, इसमें भी कुछ नहीं है, तो मैं इस थीम को भी डिलीट कर रहा हूँ, जो चीजें हमें चाहिए सिर्फ उनको रख रहा हूँ,
इसमें कुछ नहीं है, इसको डिलीट करा रहा हूँ और इसके रेफरेंस को डिलीट करा रहा हूँ। और ये देखें, अब ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा, ये लो, एटलीस्ट ये पहले से काफ़ी बेहतर है। ओके, इसमें कुछ भी नहीं यूज़ किया मैंने अभी तक। ओके, इसमें कुछ यूज़ किया नहीं किया, और इसमें भी कुछ नहीं किया। डन, एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं कि हमारा जो कोड है वो अभी चल रहा है, और लास्टली एक दफ़ा इसकी बिल्ड बना के देख लेते हैं कि वो भी चल रही है कि नहीं। वंस अगेन, ये मेरा एक शॉर्टकट है, एलियस है, आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरी कमांड लिखें जो कि है npm run build। ओके, यहाँ पे देखते हैं, और जी बिल्ड कंप्लीट हो गई है, मतलब ये चल रहा है। और अगर आप और ज़्यादा कंफर्म करना चाहें तो उसका काफ़ी आसान तरीका है। बेसिकली ये डिस्क का फोल्डर बना है यहाँ पे, वो सर्व का पैकेज ला के, मेरे पास सर्व का पैकेज है जी, है तो मैं अभी आपको चला के दिखा देता हूँ। सी डिस सर्व डॉट, एंड इसका बेसिकली एक कमांड होती थी जो कि ना SPA की तरह बिहेव करती थी, सिंगल ये वाली डैश एस, सर्व डॉट डैश एस, ये बेसिकली सिंगल पेज ऐप की तरह इसको बिहेव करवाएगी। और ये 1000 पे चली गई है, 3000 पे ये चला है, ये रिफ्रेश करेंगे और ये भी चल रहा है, तो दैट्स इट, इसको क्लोज कर दें, बस ये डेमो परपजेस था। ओके, इसको ऐड कर लेते हैं और नेक्स्ट डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट अब हमने क्या करना है। अभी तक हम बेसिकली जो चीज़ें कर चुके हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने बेसिकली अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसके बाद उसमें से आयोनिक को रिमूव किया था, उसके बाद हमने रेडिक्स UI को ऐड किया था, उसके बाद हमने जो राउटर था उसको ऐड किया था, और टाइपस्क्रिप्ट पाथ सब हमने ऐड कर लिए हैं। ओके, इसको हम कमिट कर लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं अगर हमें यहाँ पे फ्रंट एंड में और कोई चीज रिक्वायर्ड है। अभी के लिए मेरे ख्याल से यहीं तक हम इसको क्लोज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बैकएंड से स्टार्ट करेंगे, बैकएंड के प्रोजेक्ट को सेटअप कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम वापस फ्रंट एंड में आके फ्रंट एंड की जो UI होगी, एटलीस्ट डमी UI हम उसको बना लेंगे, और फिर हम वापस बैकएंड की तरफ जाके उसकी APIs को बनाएंगे और उनको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इसको कमिट कर लेते हैं। दैट्स इट। ओके, ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो रिएक्ट सीखना चाहते हैं या लारावेल सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें, और इस कोर्स को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाकर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें और अपनी जॉब अचीव कर सकें। वंस अगेन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की आपको अलर्ट मिलता रहे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.